17 किलोमीटर 700 मीटर लंबाई रहेको जनकपुर भेट्टा मोड सड़क खंड मोटरसाइकिल बसलाई कम्तीमा डेढ़ देखि दुई घंटा लागने गरेको छ। सड़क पार गर्न लाग्ने समयले जनकपुर भेट्टा मोड सड़क को भौतिक अवस्था दर्शाउँछ। यो सड़क निर्माण का लागि पटक पटक टेन्डर समेत नभएको होइन, निर्माण का लागि केही प्रक्रिया अघि बढाउने र बीचमै रोकिने विशेषता नै बन्यो, जसले गर्दा आवत जावत गर्ने सर्वसाधारणले यो सड़क निर्माण हुने आशा नै मारिसकेका छन्। 400,000-50,000 आदमी जे यात्रा कर रहल है, जोखिम में कर रहल है, जान के बाजी लगा के कर रहल है। दुर्घटना होवे के विशेष संभावना छ, ध्यान देखल गेल है सड़क में। सड़क वास्तव में जो चलै छै ओ अपने के जे है से एगो जीवन मरण के साथ जे है से मतलब अथी भ रहल है, के लागि अगर एक्सीडेंट होती तो तत्काल ओकर मृत्यु होतै। हवा का झोंका मारै छै, एकटा कोनो छोटको गाड़ी अबै छै तऽ भरि दै छै पूरे, आँखि कान सब, आँखि के बीमारी, नाक के बीमारी, साँस के बीमारी सब हो जाइ छै। ई रोडे नै रहि गेल है ना, आवत जावत में एकदम समस्या। भारत बिहार को प्रमुख शहरहरू सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, मधुबनी लगायतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने भेट्टा मोड प्रमुख नाका हो। सड़कको अवस्था जीर्ण हुँदा भारतबाट जनकपुर आउने धार्मिक पर्यटकको संख्यामा समेत कमी आउन थालेको मात्रै होइन, यहाँको व्यापार व्यवसाय नै चौपट भएको छ। दैनिक 40,000 सर्वसाधारण ओहोर दोहोर गर्ने सडक सुधारमा एक साताभित्र प्रक्रिया अघि नबढे आमरण अनसन बस्ने सर्वसाधारणको चेतावनी छ। धनुषाके जनता जे सडकके निवासी छ, उपभोक्ता छ, उनका साथ नेपाल सरकार अन्यायके सीमा नाइ गेलै, दिलक ई आन्दोलनके संयोजन अहाँ करियौ। आओर जनता एक नेतृत्व खोज रहा है, एक आंदोलन खोज रहा है और स्थानीय स्तर पर संघर्ष समिति अपने के हमसे तैयार किया जो अंतिम जगह ये आई छी। सड़क तालपुल पार्न खुलाकी राजमार्ग आयोजनाले वर्षेनी करोडौं रकम जनकपुर भेट्टा मोड सड़क खण्डमा खर्चेको पनि छ, जसको कुनै लेखाजोखा छैन। मात्र होइन, खर्चिएको रकमले जीर्ण सडकमा 20-19 सुधार भएको छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि धनुषाबाट ईश्वर चन्द्र झाको रिपोर्ट।